गिरीशचंद मुर्मू बने देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद की शपथ। पीएम मोदी समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहे और योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सेक्टर 39 में बने 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। वसुंधरा राजे ने की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। कहा पार्टी के हर फैसले के साथ लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं। 14 तारीख से सियासी दंगल से पहले अब तीन तरह की बाड़ेबंदी। 11 अगस्त से बीजेपी की बाड़ेबंदी भी हो जाएगी शुरू। पहले से ही पायलट और गहलोत कैंप की बाड़ेबंदी जारी। राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान आया है। कटारिया ने कहा कि हमें बाड़ेबंदी करनी होती तो एक माह पहले करते। हमारे वोटों को संभाले रखना पार्टी का धर्म है। 11 तारीख के निर्णय के बाद ही तय करेंगे आगे क्या करेंगे। विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसीबी हुई एक्टिव। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आरोपी संजय जैन के ठिकानों पर छापेमारी। जयपुर बीकानेर लूणकरणसर सहित कई जगहों पर सर्च। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। देश भर के 36 स्कूली बच्चों से करेंगे बातचीत। महात्मा गांधी को समर्पित है ये केंद्र। बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ की गोली से घुसपैठिए की मौत। बाड़मेर जिले के बीकेडी की घटना। तारबंदी पर चढ़ गया था घुसपैठिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने मौके पर डाला डेरा। केरल के कोझिकोड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 18। क्रैश विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद। सीवीआर बरामद करने के लिए काटा जा रहा फ्लोरबोर्ड। कोझिकोड विमान हादसे में घायल 127 लोगों में से 40 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब रेस्क्यू में शामिल सभी का कोरोना टेस्ट होगा। सुशांत सिंह मामले में ईडी की टीम रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है और उधर सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता ने अपना पक्ष रखा है और कोर्ट से अपील की है कि वो रिया की याचिका को खारिज कर दे। आयुर्वेद चिकित्सकों के 450 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात। पुलिस विभाग में भी क्लास 4 के 326 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ले सकते हैं पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक। कल स्थगित कर दी गई थी ये मीटिंग। आज जैसलमेर जाने और विधायक गण की बैठक लेने का भी कार्यक्रम। दुनिया भर में अब तक 1,95,23,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं जबकि 7,22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 12 अगस्त तक आ सकती है रूसी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री बोले ट्रायल खत्म। अगले 2 हफ्तों में रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में ला देगा। भारत में कोविड 19 के मामलों का आंकड़ा 20,88,000 के पार पहुंच गया है। वहीं संक्रमण से अभी तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। केरल में भारी बारिश के चलते इडुक्की जिले के राजमला इलाके में भूस्खलन हुआ है। पुलिस के मुताबिक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के वलसाड की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों में ढील दे दी गई है। राज्य में अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन होगा और इससे पहले शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। भारतीय सेना ने तंगधार सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर किए गए हमले से खासा नुकसान हुआ है। इसमें एक महिला की भी मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर लगाया बैन। कहा इससे देश की सुरक्षा को है खतरा। अगले आदेश तक रहेगा बैन। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद जारी है। इस बीच दौलत बेग ओल्डी में दोनों देश मेजर जनरल स्तर की वार्ता कर रहे हैं और करीब 1 घंटे से दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। पैलेस ऑन व्हील्स अभी 2 महीने नहीं चल पाएगी। सितंबर अक्टूबर महीने की बुकिंग को आगे के लिए शिफ्ट किया गया है। कोरोना के चलते पिछले सत्र में भी 7 फेरे रद्द करने पड़े थे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल पौड़ी और चंपावत जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है।